नमस्कार मेरे किसान भाइयों, छोटी सी वीडियो में आपको एक अच्छी सी जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में दोनों ट्रैक्टर आप देख लीजिए 575 XP प्लस हैं। दोनों ही ट्रैक्टर आपको 47 HP के मिलेंगे। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 192 Nm का टॉर्क मिलेगा, 2000 RPM मिलेंगे, 1500 kg की हाइड्रोलिक पावर मिलेगी, 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 2979 cc का इंजन आपको दोनों ही ट्रैक्टरों में मिलेगा और फॉरवर्ड 2 रिवर्स कॉन्स्टेंट 8 वैक्स गेयरबॉक्स सेंटर गियर के साथ मिलेंगे। तो मतलब इंजन को लेके सारी स्पेसिफिकेशन एक मिलेगी और हाइड्रोलिक पावर भी आपको दोनों ट्रैक्टरों में सेम मिलेगा, गेयरबॉक्स भी आपको सेम मिलेगा, साथ के टायर दोनों ही ट्रैक्टरों में आगे मिलेंगे और पीछे आपको 14 के टायर मिलेंगे। तो वीडियो में अलग क्या होने वाला है वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अलग अलग पर्पज होता है। कोई किसान भाई ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर लेता है, कोई खेती के लिए ट्रैक्टर लेता है। दोनों में ही आपको पावर स्टीयरिंग मिलेंगे डबल पंप के साथ। देख लीजिए अंतर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये देख लीजिए। थोड़ी लाइट है, अंधेरा हो गया तो रात को बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इस ट्रैक्टर की सुबह जल्दी डिलीवरी है। तो इस ट्रैक्टर में आपको सादी हाइड्रोलिक मिलने वाली है सिंगल ट्रॉली पाइप के साथ, आप ये देख लीजिए। और ये टॉप वेरिएंट है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, डबल ऑक्सिलरी वाल्व होगी और लीवर ये रहा, ठीक है। और इसमें आपको जो हाइड्रोलिक है वो एमटेक हाइड्रोलिक मिलने वाली है। ये फ़र्क है मेरे किसान भाइयों, अगर आप ट्रॉली के पर्पज से ले रहे हैं ठीक है तो आप ये वाला लीजिए, आपके जो पैसे हैं वो बचने वाले हैं, क्योंकि जो अपग्रेड सिस्टम है उसका भी कुछ चार्ज लगेगा और प्लस, और जो ये ट्रॉली पाइप है तो इससे आपका ट्रॉली से काम चल जाएगा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर से आप क्या ही करेंगे। और ये देख लीजिए, अगर आप खेती के पर्पज से ट्रैक्टर लेते हैं, प्योर खेती ही करते हैं, तो आपके लिए ये ट्रैक्टर है, क्योंकि इसमें आपको डबल सेंसिंग पॉइंट मिलेगा। एमटेक हाइड्रोलिक का बहुत शानदार सेंसिंग आपको ट्रैक्टर में मिलने वाली है। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ये देख लीजिए 42 HP की PTO पावर मिलेगी। एक मिनट, ये देख लीजिए 41.9 लगभग 42 हो गई, और 148 SFC मिलेगी। चौथा महीना 2024 का ये वेरिएंट है और ये भी आपको सेम ही मिलने वाला है, 575 XP प्लस। और इसमें भी आपको ये देख लीजिए 42 HP की PTO पावर, 248 SFC और चौथा महीना 2024 का। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग वेरिएंट है। कीमत में आपको फ़र्क मिल जाएगा, तो आपके जो पैसे हैं वो बचने वाले हैं अगर आप ये ट्रैक्टर लेते हैं ट्रॉली के काम के पर्पज से। शानदार ट्रैक्टर है, जैसे कि अभी तूड़ी का सीज़न चल रहा है तो तूड़ी लोडिंग हो गई, बजरी वाला हो गया, मिट्टी ढुवाई होगी भट्टों पे, क्यों खाली सीज़न है, जिस किसान को भी जो मिट्टी उठवानी है खेत से वो अभी ही उठवाएगा। और ये खेती के पर्पज से ये ट्रैक्टर है। तो दोनों अलग अलग ट्रैक्टर हैं, इसमें भी आपको अलग वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप जैसे 575 ये वाला लेते हैं तो वेरिएंट में, तो इसमें आप अपने पैसे इसलिए बचा सकते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप कैंसिल कर सकते हैं और आप सिंगल ट्रॉली पाइप ले सकते हैं, जो आपका जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, जितने का भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो बचेगा, इसमें तो वो सारा बचा हुआ ही है। तो 575 है, वो भी आपको कई वेरिएंट में मिलेंगे। मैं मेरी बहुत सारी वीडियो में कहता हूँ कि आपको ऑप्शन मिलते हैं महिंद्रा के ट्रैक्टरों में लेने के लिए। तो ये आज किस्मत से ही आप ये देख लीजिए कि वीडियो बनी है। ये एमटेक हाइड्रोलिक टॉप वेरिएंट है और वो बेस वेरिएंट है, इससे भी बेस आता है जिसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपका खर्चा है जो बचने वाला है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी। बाकी आप 575 ट्रैक्टर के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये 575 UO खड़ा, इसकी वीडियो बनाई हुई है और इसका टॉप वेरिएंट और इसका टॉप वेरिएंट है, उसका कंपैरिजन भी किया हुआ है। ये PS खड़ा 4x4
इसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ये, 50 HP में मिलेगा, 16 के टायर, आगे 9 के टायर मिलेंगे। शानदार ट्रैक्टर है ये मेरे किसान भाइयों, 50 HP में। तो वीडियो पे आते हैं, क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की और शेयर करने की। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए ट्रैक्टर, नई जानकारी के साथ।